खुद ऐसा, यहाँ पे जो DSP है वो इतने डरपोक हैं, शाम को तो इनका हमेशा पता नहीं क्या क्या चलता है, होता है यहाँ पे, आए दिन हमेशा मर्डर होते रहते हैं। ये सब एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, अपना विधायक प्रतिनिधि था। सत्तारूढ़ गठबंधन की विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अपने ही सरकार का पोल खोल दिया है। पहले यह वायरल वीडियो देखें। मर्डर हुआ है पतरातू में, तो 7-8 गोली मारा गया है और 9 खोखा है। यहाँ पे आए दिन हमेशा मर्डर होते रहता है और हमेशा मतलब गोली चलता रहता है। यहाँ खुद है सो, यहाँ पे जो DSP है वो इतने डरपोक हैं, शाम को तो इनका हमेशा पता नहीं क्या क्या चलता है। थाना प्रभारी जब से आया तब से यहाँ पे घटना इतना ज्यादा बढ़ गया है, मन बढ़ गया है सबका, तो इसमें कुछ करिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे और फिर हम लोग फिर अपना जो है अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर देंगे। सरकार का बदनामी, इसमें सरकार का भी बदनामी हो रहा है और हम लोग का भी बदनामी हो रहा है। विधायक प्रतिनिधि था मेरा, कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होने वाला है वो हम लोग को पता है, क्योंकि सबको पता है कि कौन मार रहा है, कहाँ से गोली चल रहा है, लेकिन सब 60-40 का यहाँ पे परसेंटेज बंधा हुआ है, कहाँ से वो लोग को कुछ करेंगे। यहाँ बस पैसा वसूली करने के लिए, लूटने के लिए सब लोग को रखा हुआ है। क्या कर रहे हैं आज? ये जो हुआ है ना उसका कारण बस आप ही लोग दोनों है। एक तो थाना प्रभारी जो यहाँ पे बस कोई जेन्युइन काम आप कर नहीं सकते और यहाँ पे अपराध बढ़ते जा रहा है, और एक आप जरा भी आपको मतलब ये नहीं है कि निडरता से कार्रवाई करें। खुद डरपोक है, चाय पानी पीते हैं, शाम को दारू पीते हैं, ये सब एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग का अपना विधायक प्रतिनिधि था। आपको तो ला के पछता रहे हैं DSP साहब, आपको हटा दीजिए ना, हटा देने क्या बात है, हटा दीजिए ना। दारू पीते हैं तो अपराधी के साथ बैठ करके शाम को काम लगा दीजिए, गलत बोल रहे हैं, तमाशा बना लिए, अपराधी से वसूली गली करते हैं परिराज करके। दस बार मेरा घर चक्कर लगा के हल्लाई लाई और अब हटा दीजिए, नाचते हैं आपके इशारे पे, चलते हैं और उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, पैर भी कराते थे एकदम, जेल में फोन से बात करते थे कि ले आइए दाम कर देंगे। तो आपने सुना कि कैसे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव खुद ये बोलते नजर आ रहे हैं कि जेल में फोन से बात करते थे। इसी वायरल वीडियो पर BJP ने भी तंज कसते हुए सुनिए क्या कहा। देखिए, सत्तारूढ़ गठबंधन की विधायक अंबा प्रसाद जी और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने इस सरकार की कलई खोल दी है। स्पष्ट रूप से बताया है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से अवैध वसूली में लगा हुआ है, इनका परसेंटेज क्या होता है। उन्होंने तो यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो थानेदार और DSP हैं उनके साठगांठ अपराधियों से और जमीन माफिया से, और यहां तक कहा कि DSP शाम के बाद वो नशे में होते हैं, शराब पीते हैं। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक और रियलिटी चेक करा दिया सरकार का कि इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट के आधार पर नहीं होता बल्कि सिफारिश के आधार पर होता, और DSP को वो साफ कहते दिख रहे हैं कि आप मेरे घर का चक्कर लगाते थे। और सारी सीमाएं तो तब पार हो गई जब योगेंद्र साहु जी ने उन्हें कहा कि आप तो जेल में भी मुझसे फोन से बात करके सिफारिश करते थे ट्रांसफर की, यानी जेल के भीतर भी फोन का खुलेआम यूज हो रहा था। और फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमारे यहाँ कानून का राज है एंड ऑल इज वेल। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।